तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारे अगली क्लास को, यानी कि अगले हमारे नए पड़ाव को जो कि आने वाला है साइंस का। तो चलिए शुरू करते हैं साइंस के क्वेश्चंस को। तो देखते हैं साइंस का आज का पहला क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, हर्ट्स है, वोल्ट है, एम्पियर है या वाट है। जल्दी से बताइए कि विद्युत शक्ति की, इलेक्ट्रिक पावर की इकाई क्या है, जल्दी से बताइए। वाट 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 सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही कहा कि इलेक्ट्रिक पावर की इकाई क्या है, इलेक्ट्रिक पावर की इकाई है वाट है। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, एक हॉर्स पावर में, तो एक हॉर्स पावर में तुम बोलोगे मैडम 746 वाट होते हैं, ठीक है। अच्छा, पावर को क्या बोलते हैं, पावर होता है बेसिकली बच्चे एनर्जी, ठीक है, एनर्जी पर यूनिट टाइम, यानी कि कितनी एनर्जी खपत हो रही है, कितनी एनर्जी यूज़ की जा रही है एक प्रति सेकंड के अंदर। एनर्जी की इकाई क्या होती है, एनर्जी की इकाई होती है जूल होती है, ठीक है। तो बिल्कुल शुरुआत से करते हैं, शुरुआत में हमारा आता है चार्ज, ठीक है। चार्ज की इकाई क्या होती है, चार्ज की इकाई होती है कूलम्ब होती है, ठीक है। चार्ज कितना सारा चार्ज, ठीक है, कितना सारा चार्ज कितने टाइम के अंदर बहा है, ठीक है, चार्ज बहुत सारा चार्ज कितने टाइम के अंदर बहा है, तो वो क्या कहलाता है, वो करंट कहलाता है, करंट यानी कि धारा, ठीक है। तो धारा को क्या कहा जाता है, कितना चार्ज कितने सेकंड में बहा, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। और करंट की इकाई क्या होती है, एम्पियर होती है, ठीक है, करंट की इकाई क्या होती है, एम्पियर होती है। करंट के अगेंस्ट कौन जाता है, करंट के अगेंस्ट जाता है प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध। और प्रतिरोध को क्या कहा जाता है, रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस, जिसकी इकाई क्या होती है, रेजिस्टेंस की इकाई होती है ओम, ठीक है। और रेजिस्टिविटी की इकाई क्या होती है, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी की इकाई होती है ओम मीटर होती है, ठीक है। क्या इकाई होती है बच्चे, ओम मीटर होती है। रेजिस्टेंस किसकी, किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होएगा, बढ़ेगा, ठीक है। दूसरा बच्चे लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ के ऊपर कैसे, क्योंकि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आर रो L ओवर A। तो जितनी लेंथ लंबाई बढ़ेगी, ठीक है, जितनी बच्चे एक कंडक्टर की, ठीक है, चालक की जो है लंबाई बढ़ेगी, तो क्या होएगा, रेजिस्टेंस भी यानी कि प्रतिरोध भी बढ़ेगा। और एरिया ऑफ, A से मतलब है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होएगा, कम होएगा, क्योंकि एरिया क्या है, रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल है, ठीक है, नीचे आएगा। चलो, तो सही आंसर। और बच्चे बात की जाए, वोल्ट किसकी इकाई होती है, वोल्ट होती है बच्चे बच्चे हमारी विद्युत संभावना की, विद्युत, विद्युत संभावना यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल संभाव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। चलो अगला क्वेश्चन, विच डिजीज इज कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है, रतौंधी होती है, स्कर्वी होती है, सांस लेने में कष्टाई होती है या फिर रिकेट्स होती है। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है, जल्दी से बताइए। अंजलि क्या बोल रहे हैं, थोड़े थोड़ा ज़्यादा टाइम तक क्लास ले मैम आप, ओके 12 बजे तक हैं, क्या बोले जा रहे हो, 12 बजे तक बोलती रहूँ मैं, हैं 12 बजे तो क्लास आएगी ना, थोड़ा सा मुझे भी तो टाइम चाहिए ना सांस लेने के लिए, चैन से बैठने के लिए। 12 बजे क्या, तुम तो बोलो ऐसे, फिर वो तो मैराथन ही होगी ना, फिर उतनी लंबी फिर कोई फ़ायदा नहीं है ना, बच्चे रिकॉर्डेड क्लास कैसे देखेंगे हैं अगले जन्म में। चलो, सो विटामिन ए से हमें क्या हो सकती है, नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब विटामिन ए की कमी से हमें क्या हो सकता है, नाइट ब्लाइंडनेस। और एक और नाम है ज़ेरोफथैल्मिया,
ठीक है, ज़ेरोफ़थैल्मिया, जो कि किसकी कमी की वजह से होता है, विटामिन ए की कमी के वजह से भी होता है। ठीक है, विटामिन ए को रेटिनोल भी कहा जाता है, रेटिनोल, ठीक है, उसका रासायनिक नाम क्या है, रेटिनोल। स्कर्वी किसकी नाम से होता है, स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी की वजह से, विटामिन सी की कमी की वजह से स्कर्वी होता है। विटामिन सी को किसके नाम से जाना जाता है, विटामिन सी को नाम जाना जाता है एस्कोर्बिक एसिड। ठीक है, एस्कोर्बिक एसिड किसे किसे कहा जाता है, विटामिन सी को कहा जाता है। ठीक है, और ये बच्चे खट्टे फ्रूट्स के अंदर मिलता है, ठीक है, खट्टे फ्रूट्स, खट्टे। और बच्चे बात की जाए रिकेट्स, रिकेट्स होती है विटामिन डी के कारण, ठीक है, विटामिन डी की कमी के कारण, जिसको कहा जाता है कैल्सीफेरोल विटामिन, कैल्सीफेरोल, ठीक है, कैल्सीफेरोल, क्योंकि ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, किसको मदद करता है, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। ठीक है, गोइटर किसकी कमी की वजह से होता है, गोइटर, तो गोइटर होता है आयोडीन की कमी की वजह से। ठीक है, आयोडीन की कमी, आयोडीन अगर हम लेंगे तो कौन से हार्मोन इम्प्रूव होते हैं, तो हार्मोन होता है वो थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन, यानी कि थायरॉयड ग्लैंड जो होता है, ठीक है, थायरॉयड ग्लैंड, तो थायरॉयड ग्लैंड से निकलता है थायरोक्सिन हार्मोन, जो कि हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, इन सब को बैलेंस रखने का काम कौन करता है, थायरोक्सिन हार्मोन करता है। और थायरोक्सिन हार्मोन लगातार एक सही लेवल पे निकलता रहे वो कौन देखता है, वो हेल्प करता है आयोडीन देखता है, और आयोडीन की कमी हो जाए तो हमें रिकेट्स, सॉरी गोइटर हो सकता है। ठीक है, डायबिटीज़ में कौन सा हेल्प करता है, डायबिटीज़ में, डायबिटीज़, तो डायबिटीज़ होती है हमें इंसुलिन की कमी के कारण। ठीक है, इंसुलिन की कमी के कारण, अगर हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी है तो हमें क्या हो सकते हैं, डायबिटीज़ हो सकते हैं। ठीक है जी, चलो, हो सही है, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है, फैट है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, या इनमें से कोई नहीं है, जल्दी से बताइए ग्लूकोज क्या है। और सभी बच्चों से दोबारा गुजारिश कर रही हूँ कि सभी के सभी बच्चे क्लास को ज़रूर लाइक करिएगा, और उसके साथ में जिन जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, जल्दी से जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक भी कर दीजिए करें, ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। ठीक है, और जो जो बच्चे रेगुलर आते हैं, सो सभी रेगुलर वाले बच्चों से गुजारिश है कि बच्चे एक बार क्लास को शेयर भी कर दिया करो। ठीक है, तुम लोग क्लास को शेयर करोगे तो भी मेरा भी एक फ़ायदा हो जाएगा कि भी बच्चे थोड़े से क्लास ज़्यादा बच्चों तक भी पहुंच जाएगी। ठीक है, तो सभी बच्चों से दोबारा गुजारिश है कि जो जो बच्चे रेगुलर आते हैं, ठीक है, कभी कभार आते हैं उनको नहीं बोल रही हूँ, बट जो बच्चे रेगुलर आते हैं उनको पता है कि क्लास मैडम एफर्ट्स डाल रही है, मैं रेगुलर पढ़ाई करवा रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, तो बच्चे सब लोगों से गुजारिश है कि जैसे तुम लोग आते हो क्लास को, एक तो क्लास को लाइक कर दिया करो, और उसके साथ में जितना हो उसके क्लास को शेयर भी कर दिया करो। ठीक है जी बच्चे, प्रोटीन है, ग्लूकोज एक प्रोटीन है, नहीं बच्चे कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर पाया जाता है ग्लूकोज, प्रोटीन बच्चे, प्रोटीन एंड में आके टूट टूट के क्या बनता है, प्रोटीन टूटता है बच्चे, एंड में आके मिलता है हमें क्या, अमीनो एसिड। ठीक है, अमीनो एसिड, एसिड, ठीक है, ग्लूकोज बेसिकली हमें मिलेगा कार्बोहाइड्रेट के अंदर। वैसे तो हमें फैट के अंदर भी ग्लूकोज मिलता ही है, लेकिन फैट के अंदर ये है कि बहुत ज़्यादा ही मात्रा में होता है, जो कि हमें नहीं चाहिए। एक्चुअल में ग्लूकोज जो है वो इंस्टेंट एनर्जी देने का काम करता है, तो इंस्टेंट एनर्जी जो देता है वो कार्बोहाइड्रेट देता है। ठीक है, इंस्टेंट एनर्जी कौन सा देता है, कार्बोहाइड्रेट। जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सभी बच्चों को, थैंक यू। चल अगला क्वेश्चन, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ टबैको इज, तंबाकू का मुख्य घटक क्या है, एस्प्रिन है, निकोटीन है, मॉर्फिन है, या इनमें से कोई नहीं है। जी बच्चे, टबैको यानी कि तंबाकू का मुख्य घटक क्या मिलेगा आपको, आलोक सॉरी क्यों बोल रहे हो, क्या हो गया, निकोटीन, निकोटीन बिल्कुल सही आंसर है, निकोटीन। ठीक है, निकोटीन। अगला क्वेश्चन, द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ,
परमाणु के नाभिक में निम्नलिखित बच्चे शामिल होता है, परमाणु के नाभिक में आपको क्या मिला जाएगा? न्यूट्रॉन, केवल न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में जी। और अब आप कहो तो मैं एक बार एटम का पूरा स्ट्रक्चर बता देती हूँ किस तरीके से क्या होता है। बताइए, बताऊँ मैं? जी, तो चलिए एक बार देख लेते हैं परमाणु के स्ट्रक्चर की ओर। ठीक है, देखो हमारा ये परमाणु होता है, ठीक है, सबसे पहली बार परमाणु के केंद्र में हमें क्या मिलता है? न्यूक्लियस मिलता है। तो न्यूक्लियस की खोज किसने करी? न्यूक्लियस की खोज करी बच्चे रदरफोर्ड ने, ठीक है, रदरफोर्ड ने, ठीक है। और परमाणु के चारों ओर क्या मिलते हैं? परमाणु के चारों ओर ऑर्बिट में घूमते हुए, ये क्या होते हैं? ऑर्बिट के अंदर घूमते हुए हमें इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में सब कुछ जान लेते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी? जे जे थॉमसन ने करी, ठीक है, जे जे थॉमसन ने करी। कौन से एक्सपेरिमेंट के द्वारा करी? एक्सपेरिमेंट था बच्चे प्लम पुडिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है, प्लम पुडिंग एक्सपेरिमेंट के द्वारा उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज करी, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन बच्चे कितने जो होता है हमारा कितना चार्ज लेता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के अंदर होता है, सॉरी चार्ज नहीं, मास, एक इलेक्ट्रॉन के अंदर मास होता है 9.1 × 10⁻³¹, ठीक है, 9.1 × 10⁻³¹ कितना एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है, ठीक है। बाकी बात की जाए हमारे एटम के बीच में क्या क्या पाया जाता है? प्रोटॉन पाए जाते हैं, और क्या पाए जाते हैं? न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो प्रोटॉन की खोज किसने करी? ठीक है, प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन की खोज करी है बच्चे किसने? हमारे ई गोडस्टीन ने, ठीक है, ई गोडस्टीन ने। तो ई गोडस्टीन ने अपने केनार रे एक्सपेरिमेंट से, ठीक है, केनार रे एक्सपेरिमेंट से क्या किया? प्रोटॉन की खोज करी। और लास्ट में बच्चा न्यूट्रॉन बचा, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने करी है? न्यूट्रॉन की खोज करी है बच्चे हमारे चैडविक ने, ठीक है, चैडविक ने। और अब ये देख लेते हैं कि एटॉमिक मास क्या होता है और एटॉमिक स्ट्रक्चर और एटॉमिक क्या हमारा नंबर क्या होता है, ठीक है, परमाणु संख्या और परमाणु नंबर, ठीक है। तो देखो हमारा मान लो कोई भी एक एटम है, ठीक है, मान लो एक्स नाम से कोई एटम है, तो उसका, ठीक है, उसका परमाणु संख्या क्या होएगा, यानी कि परमाणु जो नंबर होएगा वो यहाँ लिखा जाएगा, और परमाणु जो मास होएगा वो यहाँ लिखा जाएगा। जैसे मान लो हमारे परमाणु संख्या का जो है, सॉरी जी, तो परमाणु लो यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिखा गया, ठीक है, एटॉमिक नंबर, और दूसरा आता है हमारा एटॉमिक मास जो कि ए से डिनोट होता है। तो जो एटॉमिक मास होता है, ठीक है, एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि एक एटम में कितने प्रोटॉन हैं और साथ में एक एटम में कितने न्यूट्रॉन है, तो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? हमारा पूरा एटॉमिक मास बनाते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही पाए जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि हमारा एटम के अंदर जितना भी मास होता है वो कहाँ पाया जाएगा? एक एटम के नाभिक के अंदर, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर। उसके अलावा बात की जाए एक एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो कि इक्वल होते हैं, ठीक है, किसके इक्वल होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होते हैं जी। चलो ये मेरे सामने ना मेरी क्लास में कोई ये नहीं बोलेगा नींद आ रही है, नींद आ रही है, ज्यादा हो रहा है तुम्हारा, ठीक है। चलो तो ये होता है हमारा पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सही आंसर क्या है? एक एटम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाएगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के न्यूक्लियस के अंदर पाया जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? अ बडिंग इज ऑब्जर्व्ड इन,
बडिंग किस में ऑब्जर्व की जाती है? बडिंग, बडिंग क्या होती है? जैसे कि हमारा कोई भी एक चीज़ है, ठीक है, इसके अंदर इसका छोटा सा हिस्सा एक बाहर से निकल गया और वो हिस्सा टूट कर, ठीक है, कोई जीव है उसका छोटा सा हिस्सा बाहर निकल गया और वो हिस्सा टूट कर वो अपने आप में बड़ा हिस्सा बन जाता है, वो कहलाता है क्या? बडिंग कहलाता है। ठीक है जी, तो बडिंग आपको कहाँ मिलेगी? निगराज अग्रवाल सी, प्लेनेरिया, प्लेनेरिया जी। तो बच्चे एक्चुअल में बडिंग तो बच्चे दोनों में मिलती है, प्लेनेरिया, हाइड्रा और यीस्ट के अंदर, ठीक है। प्लेनेरिया, इसके अंदर पता नहीं ऑप्शंस में गड़बड़ी है थोड़ी सी, प्लेनेरिया, हाइड्रा और यीस्ट के अंदर, इन सभी के अंदर ही हमें बडिंग मिलती है, ठीक है, बडिंग मिलती है। बडिंग कैसा है? एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, एसेक्सुअल। अगला क्वेश्चन, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? काला कार्बन, ब्लैक कार्बन, ड्राई आइस, ड्राई आइस, वाइट कार्बन या फिर सॉलिड कार्बन जी। जी जल्दी से बताइए सभी के सभी बच्चे, और दोबारा सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक जरूर कर दिया जाए। जिन जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं करा है, क्लास को लाइक कर दो और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, चैनल को भी डेफिनेटली ज़रूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। सो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड किसे कहते हैं? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस, ठीक है, ड्राई आइस कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में पानी का प्रतिशत लगभग कितना होता है? पानी प्रतिशत, कितना प्रतिशत होता है पानी मानव शरीर में? 55%, 50%, 60% या 65%? एक मानव शरीर में पानी कितना प्रतिशत होता है जी, जल्दी से बताइए। जी ए के ब्राउन आप अभी आए हो, इतनी देर होगी देखा नहीं। अमन कुमार जी, पूनम, प्रीति, चलो हमारे, मैं इस बात से खुश हूँ हमारे यहाँ पे गर्ल्स की संख्या बढ़ रही है। पूनम आ रही है, प्रीति आ रही है, राखी भी है ना, और कौन कौन है, अंजलि है, चलो दैट्स रियली गुड, चलो ऐसे ही बढ़ते रहो भाई। चलो सही आंसर क्या है? परसेंटेज ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में बच्चे करीबन 60% होता है, ठीक है, 60%। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन प्रेजेंट इन कैरेट, गाजर में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी, विटामिन डी, ए बी जी। और विटामिन बी को कहा जाता है थियामिन विटामिन, ठीक है, थियामिन विटामिन। और इसकी विटामिन बी वन की, मतलब बी वन को कहा जाता है थियामिन, और इसकी कमी हो जाए तो इसकी कमी से हो सकता है बेरी बेरी, ठीक है, बेरी बेरी। और एक और बीमारी होती है प्लेगेरा, ठीक है, प्लेगेरा, पेलगरा, सॉरी पेलगरा, पेलगरा। तो पेलगरा किसकी कमी से कारण होता है? तो पेलगरा होता है विटामिन, ठीक है, विटामिन बी थ्री के कारण, ठीक है, विटामिन बी थ्री की कमी के कारण आपको पेलगरा हो सकता है। और कोबाल्ट किस में मिलता है? कोबाल्ट, तो कोबाल्ट मिलता है विटामिन बी ट्वेल्व के अंदर, ठीक है, विटामिन बी ट्वेल्व के अंदर आपको कोबाल्ट मिलेगा, ठीक है। गाजर लाल यादव के वोट में करण है, ये क्या है निवास? चलो सही आंसर क्या है? कैरेट आपको कहाँ मिलेगा? कैरेट विटामिन ए के अंदर, क्योंकि गाजर जो होती है वो आंखों के लिए अच्छी होती है। हाँ भाई मुझे तो लेनी चाहिए, है ना, तुम बोलोगे। चलो द यूनिट ऑफ पावर इज, शक्ति की इकाई क्या होती है? जूल, जूल प्रति सेकेंड एंड वाट, जूल प्रति सेकेंड या वाट जी। बच्चे पावर की इकाई क्या होती है? पावर की इकाई, अरे अंजलि मैंने तुम्हारा नाम लिया था, ठीक है, भूली नहीं हूं मैं, भूलूंगी क्यों, मेरे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, लिया था मैंने तुम्हारा नाम, मैंने तीन तीन गर्ल्स का नाम लिया था, प्रीति, पूनम और अंजलि, तीन लड़की है ना यहाँ पे जी, पूनम ए, और शायद हो भी सकता है कि कोई और भी लड़की हो जो अपना मतलब नाम उनका कोई और हो, फिर कुछ एक दो तीन लड़कियां हैं जो शायद मेल के नाम से आती है, सो भाई वो भी हो सकता है।
ऋषि, ऑप्शन सी जी। तो सही आंसर क्या है, यूनिट ऑफ पावर क्या कहलाता है, जूल प्रति सेकंड और वाट। सी नहीं है, दोनों है, क्योंकि पावर होती क्या है, देखो पावर हमने पहले भी पढ़ा, पावर क्या होती है, एनर्जी, कितनी एनर्जी खपत हुई और डिवाइड बाय में टाइम, करेक्ट, पावर यही होती है। तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है, तो हो गया ना जूल प्रति सेकंड, और वाट तो हमें पता ही है पावर की इकाई होती है, तो इसलिए हो गया जी। चलो, इन ऑर्डर टू हैव अ वेरी वाइड व्यू अ मिरर यूज्ड इन कार्स इज, बहुत विस्तृत दृश्य प्राप्त करने के लिए कारों में इस्तेमाल किया जाने वाला दर्पण कौन सा है, सादा, प्लेन, कन्वेक्स, उत्तल, कनकेव, अवतल, या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन से तरह का दर्पण इस्तेमाल करूं मैं कि मुझे वाइडर रेंज मिले, मतलब एक रियर व्यू मिरर होता है ना, तो रियर व्यू मिरर में कैसा होता है कि मैं बहुत दूर दूर का दिखना चाहिए, तो बहुत दूर दूर का देखने के लिए हम कौन से तरह का मिरर का इस्तेमाल करते हैं। सुष्मिता, सुष्मिता मैंने आपको पहली बार देखा है जी, कनकेव, सुष्मिता भी है हमारे यहाँ पे भाई जी, वेलकम है आपका। चलिए तो जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा। देखो, एक बहुत ही वाइडर व्यू देखने के लिए हम कौन से कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं रियर व्यू मिरर देखने के लिए, रियर व्यू, ठीक है, मतलब बहुत दूर का देखने के लिए हम कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं। अवतल दर्पण यानी कि कनकेव मिरर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, जैसे डेंटिस्ट है, ठीक है, डेंटिस्ट है, डेंटिस्ट दांत को देखने के लिए किसका इस्तेमाल करेगा, अवतल दर्पण का इस्तेमाल करेगा। शेविंग मिरर, ठीक है, मतलब जिस शीशे को देख के तुम शेव करते हो या फिर लड़कियां मेकअप करती है, तो वो कौन सा होता है, ठीक है, वो भी अवतल दर्पण ही होता है, ठीक है, अवतल दर्पण। चलिए अगला क्वेश्चन, ब्रास इज अलॉय ऑफ, पीतल किसका मिश्र धातु है, टिन और आयरन का, गोल्ड और सिल्वर का, कॉपर और जिंक का, या इनमें से कोई नहीं। ब्रास किसका अलॉय है, जल्दी से बताओ, लड़कों में तो बहुत सारे हैं, लड़कों की गिनने लगी तो हो गया काम। कौन है, प्रशांत कुमार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप। हाँ चलो, तो सही आंसर क्या है, ब्रास अलॉय किसका है, कॉपर और जिंक का, और ब्रोंज किसका है, ठीक है, ब्रोंज किसका है, कॉपर, सीयू, और साथ में टिन का, ठीक है, हाँ टिन का, हाँ सही है, कॉपर और टिन का क्या है जी बच्चे, हमारा कॉपर और टिन है ब्रोंज का, और सोल्डर किसका है, सोल्डर, तो सोल्डर बच्चे है हमारे टिन और लेड का, ठीक है, टिन और लेड का। चलो, तो चलिए अब साइंस की